हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी यूज करते हैं और इसी के साथ में आप लो प्राइस में आप यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढ रहे हैं लैपटॉप पीसी का, तो इसके लिए आपको गूगल में लिखना है फास्ट पीसी टूल। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगी। ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है और कम बजट में आप अपने लैपटॉप पीसी की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर को हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। तो डाउनलोड करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। अब आपका देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर। मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, यस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जो इसकी टर्म कंडीशंस है उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं इसे यहाँ से स्किप कर दूँगा और उसके बाद में इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे अपने लैपटॉप में। आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे 399 रुपये, जो कि आप एक साल तक यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कोई भी पैसा देना नहीं है। जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से पहले तो कट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर आ रहा है रजिस्ट्रेशन नाव का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नाव पर सिंपली क्लिक करूँगा। जैसे ही हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो इसकी की आईडी है वो आपको डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो जो आपने पेमेंट की थी और इसी के साथ में जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी, तो उस ईमेल आईडी पर यहाँ पर की भेज दी गई होगी। अब किस तरीके से ईमेल आईडी पर आपको मिलेगी, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट है और ये की आपको यहाँ पर देखने को मिली है, इसे आपको कॉपी करना है सिंपली और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में जो आपकी पेमेंट है और जो आपका रजिस्ट्रेशन है पूरी तरीके से पेड वाला सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आ रहा था वो हट चुका है। उसके बाद में आप फुल स्क्रीन आप यहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पर सिंपली क्लिक करके और आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी लो क्वालिटी। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं। उसके बाद में आपको लैपटॉप पीसी का जो कैमरा है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसी के साथ में सिस्टम जो आपकी लैपटॉप पीसी है उसकी आवाज़ यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इसमें कई सारे ऑप्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन की आप अलग से भी आप जो वॉइस है रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाता है, कितने टाइम की आप यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसी के साथ में आपको रोकना किस तरीके से है, स्टार्ट किस तरीके से करना है, इसमें आपको सारी की मिल जाती हैं। स्टार्ट पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, तो मैं चलिए यहाँ से सबसे पहले कट करता हूँ। और आप जैसे कि रिकॉर्ड वीडियो और साउंड रिकॉर्ड, ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट का भी इसमें ऑप्शन मिल गया है, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको सेटिंग्स पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कहां पर जो आपकी वीडियो है वो जाएगी। इसी के साथ में माउस, अगर आप माउस का जो आइकन है उसे आप दिखाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं और आपके वीडियो में माउस का आइकन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टॉप किस तरीके से करना है, इन की को आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इन की के लिए। ठीक है, तो आप इन्हें सब कुछ सेट कर सकते हैं और उसके बाद में आप सेव पर सिंपली क्लिक करके और आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ, उसके बाद में हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो चलिए हम इसके जो होम स्क्रीन है उस पर आ जाते हैं और मैं यहाँ से इसे सिंपली कट करता हूँ। यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ। पहले ओके पे हम चलिए सिंपली क्लिक करेंगे। ओके पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ से इसे कट करेंगे और उस फिर कट कर देंगे। कट करने के बाद में फिर से हम इस सॉफ्टवेयर के लिए ओपन करेंगे अपनी पीसी में। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। अब जिन जिन ऑप्शन को आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, और उसके बाद में चलिए मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर सिंपली क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट पर। तो ये कंटेंट जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं नंबर, उसके बाद में जो अब आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको रोकना किस तरीके से है, और आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुकी है और आप बंद करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर पाएंगे, इसके लिए आपको उन्हीं शॉर्ट की का यूज करना होगा। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर अभी माउस चला रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में आप जो भी वर्क करना चाहें आराम से कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे फ्री वाला ढूंढ रहे हैं तो उसमें वायरस या फिर किसी भी तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए आपको करना क्या है, अल्ट्रा कंट्रोल शिफ्ट एस को आपको यहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी यहाँ पर रुक जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्ले का ऑप्शन, ठीक है, प्ले भी कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेकेंड यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, तो इतना तो आपका समय ही खराब हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर सही भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप कम बजट में इस सॉफ्टवेयर के लिए खरीद सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर फोल्डर पर सिंपली क्लिक करेंगे, जो आपकी वीडियो होंगी वो आ जाएंगी। मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ, और मैं इसे भी यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद में इसी फोल्डर में आपकी जो वीडियो वगैरह होंगी सब कुछ वो आएंगे, ठीक है। तो मैं इसे स्क्रॉल करने के बाद में आप जो भी मीडिया चलाते हैं उसे सिंपली ओपन करेंगे, उसमें आपको इस वीडियो को यहाँ पर एंटर स्क्रॉल करके कर देना है, ठीक है, यानी कि ओपन कर लेना है। तो मैं चलिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी वीडियोज़ के लिए चेक कर सकते हैं, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी और बेहतर होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा काट काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है। छोटी सी मैंने यहाँ पर वीडियो शूट की थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कम बजट में, और अगर आप दिन का यहाँ पर इसका चार्ज लगाएंगे तो एक रुपये कुछ पैसे ही यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 365 दिन तो वैसे ही होते हैं। तो आप इसे फ्री वाले की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।